हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्वालिटी रिपोर्ट फॉर सैंड है। अपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको रेनफोर्समेंट के बारे में बता दिया, सीमेंट के बारे में बता दिया। अब मेरा जो क्वालिटी रिपोर्ट टेस्ट है वो मैं सैंड के बारे में बताऊंगा कि अगर सैंड हमारे साइट पर आती है तो उसका क्वालिटी का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप काम कितना भी अच्छा कर लो या मिक्स कितना भी अच्छा बना लो, अगर आपके मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आएगी। स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा। जो हमारा सैंड है वो मेन इंग्रेडिएंट है कंक्रीट का, तो सैंड का हम फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, फॉर्मेट तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। फिर इसमें टेस्ट कुछ होते हैं, ठीक है। सैंड का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या टेस्ट करने रहते हैं वो हम नोट करेंगे, रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आना चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तीन चीज पर हम ध्यान देंगे। जो पहला पॉइंट है इसके बारे में आपको थोड़ी देर से बताऊंगा मैं। दूसरा पॉइंट मेरा साइज ऑफ पार्टिकल, जो भी हमारा साइट पे सैंड रिसीव होता है हमको उसमें ये देखना है कि जो सैंड के जो पार्टिकल के साइज है वो बहुत ज्यादा कोर्स नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा फाइन भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो फाइन सैंड जो होती है, अगर हम प्लास्टर के लिए यूज कर रहे हैं तो हम फाइन सैंड का यूज कर सकते हैं प्लास्टर के लिए। अगर कोर्स सैंड की बात करें तो कोर्स सैंड में भी हमको सॉलिड पार्टिकल ही चाहिए। जो आप सैंड स्टोन देखते होंगे उस टाइप के मिक्स हमको नहीं चाहिए कॉन्क्रीटिंग के लिए, क्योंकि कोर्स सैंड जो होती है वो कॉन्क्रीटिंग के लिए काफी अच्छी होती है। हमारा जो सैंड है वो किस पर्पज से आ रहा है, अगर उस प्लास्टर के लिए आ रहा है तो हम फाइन यूज करेंगे, अगर वो कॉन्क्रीटिंग के लिए आ रहा है तो हम कोर्स यूज करेंगे। और दोनों में हमको ये भी देखना है, अगर फाइन आ रहा है तो बहुत ज्यादा फाइन तो नहीं है, अगर कोर्स आ रहा है तो बहुत ज्यादा कोर्स तो सैंड नहीं है। जैसा भी हमको एज पर एक्चुअल दिखता है हमें यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। जब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि जो हमारा सैंड रिसीव हुआ उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी मिली हुई है या फिर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों के पत्ते, झाड़ियाँ, ये सब के टुकड़े तो नहीं मिले हुए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको कंक्रीट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को बहुत वीक कर देगा और हमारा प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। अब सील टेस्ट के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, देखिए सील टेस्ट का हमको पता करने के लिए दो तरीके हैं। एक हम सील्ड कंटेंट टेस्ट कर सकते हैं और एक हम नॉर्मल एक अपने क्या कर सकते हैं कि हम हाथ को गीला कर लेंगे और सैंड को हम क्या करेंगे हाथ में रब करेंगे। अगर रब करने के बाद अगर वो अच्छी क्वालिटी का सैंड होगा तो हमारा हाथ बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और पूरी सैंड आसानी से हमारे हाथ से निकल जाएगी। अगर सैंड गंदा हुआ तो हमारा हाथ का कलर जो होगा चेंज हो जाएगा और हमको खुद फील हो जाएगा कि भाई सैंड में सील्ड या क्ले मिक्स है। तो अगर ज़्यादा हमारा हाथ गंदा हो रहा है तो उसके लिए हम सिल्ट कंटेंट टेस्ट कर सकते हैं। अब सिल्ट कंटेंट टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको एक ग्लास का जार लेना है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे सैंड को एक लेवल तक फिल कर देंगे, फिर उसमें हम वाटर मिलाएंगे और वाटर और सैंड को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। और मिक्स करने के बाद हम उसको हाफ एन आवर के लिए एक प्लेन जगह पर हम उसको वर्टिकल देंगे और हाफ एन आवर बाद हम क्या देखेंगे जो सैंड का जो पार्टिकल है वो वाटर से ज़्यादा हैवी है तो हमारा सैंड का क्या होगा कि सैंड वाटर के नीचे सेटल होना चालू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे जो क्या होगा जो हमारा क्ले रहता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है। वाटर मिक्स हो जाता है फिर हम उसको कुछ देर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो फिर जो हमारा क्ले है जो सिल्ट है वो सेटलमेंट होने लग जाता है सैंड के ऊपर सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इस सैंड में हमारा सिल्ट कितना है, ठीक है। और अगर आप इसी प्रोसेस को और फास्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था अपने एक वीडियो में, अगर आप सिल्ट कंटेंट टेस्ट करते हैं अगर आपको फास्ट प्रोसेस करनी है तो आप जो वाटर ऐड कर रहे हैं एक या दो चम्मच आप सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट से क्या होता है ये प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। सपोज मैंने 400 ग्राम क्या लिया सैंड ले लिया उस जार में, ठीक है। और उसमें हमने जब उसको शेक किया तो हमने देखा कि 20 mm हमारा क्या हुआ कि सिल्ट कंटेंट आया। अब 20 mm हमको ये अगर पता करना है कि वो 7% से कम है या ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे 20/400, ठीक है। हमारा आया 0.05 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा 5%। अगर 5% है तो हम उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, हम उस सैंड को यूज़ करते हैं बिना वॉश किए। अगर हमारा सिल्ट कंटेंट 7% से ज़्यादा आता है तो हमको सैंड को वॉश करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर सैंड में बहुत ज़्यादा अगर सिल्ट हुआ मिट्टी हुई तो हमारे हेयर क्रैक्स के चांस और जो स्ट्रेंथ जो होगी हमारे कंक्रीट की वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।